धनबाद में प्राइवेट स्कूल की री एडमिशन फीस से नाराज अभिभावकों ने डीएवी स्कूल के मुख्य द्वार पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने सरकारी आदेश के बगैर बच्चों की ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ ही जिन बच्चों के अभिभावकों ने ट्यूशन फीस जमा नहीं की है उन बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें क्लास में प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर डीएवी कोयला नगर के सामने अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हम लोगों का पूरा पेरेंट्स लोगों का शोषण किया जा रहा है। अचानक री एडमिशन तो लिए ही लिया गया है और अभी तो हम लोग को हाथ में कागज दिया गया है कि हम लोग का फी बढ़ा दिया गया, ट्यूशन फी जो पहले 1380 रुपया लिया जा रहा था अभी 2145 रुपया कर दिया गया है। जबकि आज के पेपर में दिया गया है कि कोई फी बढ़ाया नहीं गया है, कोई सरकार का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। और किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं? री एडमिशन का है, कुछ पैसा बढ़ाया गया है पहले से, लेकिन कोरोना काल में गार्जियन लोग को इतना फुर्सत नहीं के आके धरना प्रदर्शन करे। हम लोग का डिमांड सिर्फ इतना है कि जो भी सरकारी आदेश है कोरोना पीरियड में 2020-21-22 का जो ट्यूशन फी के अलावा कोई चार्ज नहीं लेना है, बस वही हम लोग का डिमांड है। सारा चार्ज और इन लोग डेली मैसेज बच्चा को स्कूल में खड़ा करके क्लास में खड़ा करके गार्जियन को फोन करके डेली माने मेंटली टॉर्चिंग कर रहा है कि इतना पैसा जमा कर रहा। आज भी देखिए गार्जियन रिजल्ट लेने गया जिसका पैसा जमा नहीं है उसको बेचारा चुपचाप।